क्या लग रहा है मिजाज अभी? भारतीय जनता पार्टी दौसा विधानसभा में भारी मतों से जीत गई। सब लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इसलिए निश्चित है कि ये बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे इस सीट को। सचिन पायलट आकर चले गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण इस बार माहौल जैसा चला आ रहा था शुरू से वैसा ही है? कंफ्यूज करके डिवाइड कर देते हैं वोटों को, नहीं तो वैसी कोई बात नहीं। मैं तो चुनाव में खड़ा नहीं हूँ। दौसा में राजनीति इस बार जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। पहले जगमोहन मीना को टिकट मिलते ही प्लस में बताया जा रहा था, लेकिन डीसी बैरवा पायलट के दौरे के बाद डायरेक्ट करंट में नजर आ गए हैं। ऐसे में मुकाबला टक्कर का हो गया है और एक बार फिर से दौसा में ब्राह्मण वोटों पर निगाहें आ गई है कि आखिर ब्राह्मण किसके साथ है। ब्राह्मण सीट हमेशा इस दौसा विधानसभा से दावेदारों के तौर पर रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। हालांकि कोशिश बीजेपी की है कि सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे को दौसा में भुनाया जाए और जगमोहन मीना के पक्ष में वोटिंग करवाई जाए, लेकिन डीसी मीना भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट उनकी तरफ भी कांग्रेस की तरफ भी आ सकते हैं उस नाराजगी की वजह से, जिस वजह से कांग्रेस और प्लस में है कि बीजेपी ने ब्राह्मण की बजाय मीना दावेदार को इस बार टिकट दे दिया है, जबकि उपचुनाव में जीत ब्राह्मण कैंडिडेट की भी हो सकती थी। खैर, ये तमाम चीजें दौसा की राजनीति में चल रही है, लेकिन अभी मुकाबला सीधे तौर पर जगमोहन मीना और डीसी बैरवा में है। हालांकि दोनों के पीछे के नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट और मुरारीलाल मीना चुनाव लड़ रहे हैं डीसी बैरवा के बिहाफ पे, और दौसा में जगमोहन मीना को चुनाव लड़वा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना और सीएम भजनलाल शर्मा। खैर, चुनावी बिसात में क्या है, इस गांव में चुनावी कवरेज के लिए आए थे, कुछ महिलाएं हमें मिल गई, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप तो खैर पदाधिकारी हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं ताकि सबसे भी बातचीत करें। क्या लग रहा है मिजाज अभी आपको पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी दौसा विधानसभा में भारी मतों से जीत रही है और ये ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी। ये हमेशा नेता कहते हैं, खैर इसलिए मैंने कहा कि वो राजनीतिक बयान से अलग आ जाते हैं, क्यों जीत रहे हैं उसके पॉइंट्स बता दें आप। सर्व समाज साथ में काम कर रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अछूता है, जो वंचित है, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट वितरण किया है वो पूरा सोच समझ के और बहुत अच्छा निर्णय एक हिसाब से किया है, और उम्मीदवार बहुत ही अच्छा उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है, तो इसलिए ऐसा कोई वर्ग अछूता रहा ही नहीं जो उनसे छूटा हुआ है। सब लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इसलिए निश्चित है कि ये बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे इस सीट को। ब्राह्मण वोटों पर और गुजर वोटों पर भी दारुमदार है। सचिन पायलट आकर चले गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा उन्हें टिकट देती रही, अब की बार टिकट कट गया? ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। और रही बात गुजर समाज की, तो गुजर समाज विकास के साथ है और विकास भारतीय जनता पार्टी में होना है ये तय है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा गुजर समाज, पूरा ब्राह्मण समाज और सर्व समाज मिलकर के और इस विधानसभा दौसा की सीट को निकालने के लिए एकमत है। आप तो माता जी जा रहे हैं, जाते जाते बयान तो ले रहे हैं एक बार। अच्छा ठीक है, किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? जी बीजेपी को। माहौल क्या है? माहौल जैसा चला आ रहा था शुरू से वैसा ही है। शुरू से तो आप हरवा रहे थे, अब की बार सीट थी नहीं, मुरारीलाल मीना जी। वो तो बीच में लोग कंफ्यूज करके डिवाइड कर देते हैं वोटों को, नहीं तो वैसी कोई बात नहीं है। हम तो 77 से ही बीजेपी के पक्ष में हैं। और अब की बार जीत की उम्मीद? उम्मीद तो पूरी करते हैं सभी। माता जी राम राम। आप तो खूब वोट दे चुकी हैं। कभी कोई पत्रकार ने बातचीत करी आपसे? तो क्या क्या लग रहा है, झंडा तो आपने बीजेपी का पकड़ा हुआ है, कोई घर का जगह जीते दे दिया। अच्छा, तो किसको दे रही है अबकी बार वोट? हम वोट काहे की कर कौन दे रही है? वोट तो देने जाएंगे। मैंने हाथ में देगा फूल नहीं यार, कुछ भी हां फूल ना देगा ना। हां चलो, ये तो माता जी के इसमें कान में आप डाल रही हो, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? आपको आपको जैसा नहीं, मैं तो चुनाव में खड़ा नहीं हूं ना। मैं तो चुनाव में खड़ा नहीं हूं, किसको? आओ चलो, चुनावी लिहाज से खैर
अभी राजनीतिक तौर पर लोगों के राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लेते हैं ब्रेक। और हालांकि चुनावी बिसात में बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती है, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन पर्व दीपावली पर।